बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हनी किचन में वेलकम करती हूँ। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक लेकर आई हूँ, बहुत ही मज़ेदार सा और गर्मियों में बहुत ही सुकून देने वाला ये ड्रिंक है। तो और बिल्कुल ये देखें, फ्रूट से ही बन रहा है, कोई इसमें आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ नहीं हो रही हैं कि जो हमें मतलब नुकसान पहुँचाएंगी। तो ये मैं तरबूज का बना रही हूँ, तो ये मैंने तरबूज ले लिया और इसे काट लिया है। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना ले रहे हैं, मतलब एक जग मैंने इतना लिया है कि एक जग हमारा आसानी बन सके। और ये बर्फ़ के क्यूब्स हैं, इसके अलावा ये रेड शरबत है, कोई सा भी ले लें, रूह अफजा है, जामशीरी है, जो भी आप लोग पसंद करते हैं, जिस तरह का भी रेड शरबत हो। तो वो मैंने ये 4 टेबल स्पून ले लिया है, 2 टेबल स्पून इसमें आया है, 2 टेबल स्पून इसमें आया है। और ये कुछ चंक्स हैं, इसके टुकड़े मैंने छोटे छोटे से काट लिए थे तरबूज के, बारीक बारीक। ये चाहिए होंगे हमें 8-10 पुदीने के पत्ते चाहिए होंगे और एक लीमू चाहिए होगा हमें। तो मैं इसमें कोई चीनी वीनी नहीं डाल रही, और बिल्कुल ये बहुत ही फरद बख्श शरबत है और हेल्दी बिल्कुल, मतलब रमज़ान में आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ये सुकून देने वाला शरबत बनेगा और मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चलिए ये देखिए, मैंने ये तरबूज के टुकड़े डाल रही हूँ मैं इस तरह ग्राइंडर में। और बस क्या करूंगी, इसमें थोड़ी सी बर्फ डालूंगी। ये देखिए मैंने इसमें आधा ग्लास पानी डाल दिया। ये देखिए ये हमारा, मैंने सिर्फ इसमें आधा कप पानी डाला था। और ये देखें, ये हमारा जो है ना क्या कहते हैं, जूस बन गया है। अब मैं क्या करूंगी, एक कोई भी बाउल ले लेंगे और उसमें हम ये छलनी की मदद से इसको छानेंगे पूरे जूस को। ये देखें, ये देखें, ये दूसरा भी मैंने इसी तरीके से जो बाकी बचा था ना वो सारा मैंने इस तरीके से बना लिया। और अब मैं सबको छान लूंगी और फिर मैं आगे का मेथड दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखें, ये हमारा तरबूज का शरबत जो है मैंने छान लिया है सारा। अब मैं इसको वापस जग में डालूंगी। ये देखें, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो मैं आधा कर लेती हूँ ऐसा करती हूँ। ये देखें, हम अपने बर्फ के क्यूब्स डाल रहे हैं, बर्फ के क्यूब्स डाल दिए मैंने। और ये मैं अपना लीमू डाल दूंगी इसके अंदर, देख रहे हैं। ये देखें, ये हमने अपना ये रूह अफजा डाल दिया, मेरे पास रूह अफजा था, मैंने रूह अफजा डाल दिया है। हमारा ये अच्छा खासा ब्लेंड हो गया। अब मैं इसमें दूसरा कप भी डाल दूंगी अपना, और ये थोड़ा सा इसी तरह पानी डाल दूंगी और ये सारी बर्फ डाल दूंगी अपनी। बस अब मैं ये एक बाउल में शिफ्ट करके और जो हमारा बाकी का बचा है आधा निकालूंगी इसमें से, आधा रहने दूंगी। जो हमारा बाकी का बचा है हम इसी में मिक्स कर देंगे। ये देखें, और अब एक बार फिर सबको ये कर देंगे ब्लेंडर। बस ये हमारा रेडी हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये हमारा जूस बनके देखें तैयार हो गया। अब इसमें मैं काला नमक भूल गई थी आप लोगों को बताना, तो मैंने ये 1 चम्मच काला नमक डाल दिया है। और इसमें जो है मैं आधा लीमू और निचोड़ दूंगी। बस मैं आपको ये देखें कितना मजेदार सा ये जूस तैयार हुआ है,
देखें आप लोग, बिल्कुल रियल कलर है, कोई इसमें आर्टिफिशियल कलर वगैरह नहीं डाला है और कोई चीनी वीनी नहीं डाली है। बहुत ही मजेदार सा, क्योंकि तरबूज खुद भी इतना मीठा था और रूह अफजा भी डाल दिया हमने साथ में, तो बस इतना सेहत के लिए मीठा बहुत होता है। बस अब मैं इसको आप लोगों को निकाल के गिलास में दिखाती हूँ। ये देखें भाई, हमारा ड्रिंक तैयार हो गया है। वाटर मेलन का जो फ्रेशमेंट जूस बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। और ये मैंने जो तरबूज के आप लोग को छोटे छोटे बारीक टुकड़े दिखाए थे, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। इस तरीके से ऊपर से आप लोग को नजर आ रहे होंगे। ये देखें पीस, ये जब हम पियेंगे या मतलब बाद में खाएंगे तो ये हमारे मुंह में आएंगे, बहुत ही मजा देते हैं। बाकी के मैं ये जग में ही डाल दूंगी। और ये देखें, पुदीने के पत्ते मैंने इस तरह से सेट कर दिए हैं। आप लोग डालना चाहें, पीना चाहें तो आप लोग इसमें डाल के पीस भी सकते हैं। तो बहुत ही मजेदार से जूस रेडी हो गया है। आप लोग इसको ट्राई करिएगा जरूर, मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो। और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी में, किसी नई वीडियो में, जो है ना, किसी नई रेसिपी के साथ।